बोला ये यहाँ मैंने सुना है कि बहुत बड़ी मंडी है नरेला में, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, अनाज मंडी। तो खाली अनाज ही होता है, और भी कुछ होता है? दाल, गेहूं, चीनी भी नहीं भी? अच्छा, वो जो बड़ी बड़ी बोरियां पीठ पे लाद के ले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पल्लेदार। क्या बोलते हैं? पल्लेदार। वो जो बड़ी बड़ी भारी जो है एकदम एक क्विंटल की बोरी पीठ पे लाद के, तो चीनी की बोरी लादे जा रहा है वो, तो रास्ते में ना हलवाई की दुकान में, तो हलवाई की दुकान की ट्रे पर सजे थे रसगुल्ले। क्या सजे थे? मुंह में पानी तो नहीं आ गया? रसगुल्ले। तो वो रसगुल्ले चिल्लाए, अरे ओ चीनी बहन, रुको रुको रुको, तुमसे दो चार सुख दुख की बातें कर लूं। हाय हाय, तेरा तो ऐसा दुर्भाग्य है, तू तो पैदा हुई फिर अंधेरे गोदाम में तुम्हें पटक दिया, और फिर तुम्हें अब पल्लेदार ले जा रहा है, अभी देखना स्टेशन पे तुम्हें पटक देगा, फिर तुझे मालगाड़ी में लाद दिया जाएगा, फिर उस अंधेरे डिब्बे में यात्रा करेगी, फिर उतार के किसी और गोदाम में पटक दिया जाएगा। हाय हाय चीनी, तू तो दुर्भाग्य ही के साथ पैदा होती है, दुर्भाग्य ही साथ मर जाती है। चीनी बोली कि रसगुल्ले भैया क्या बातें कर रहे हो? रसगुल्ला बोला, हाँ देखो जरा, दुनिया मुझे देख के ही ना मुंह से लार टपकाने लगती है, हलवाई जो पैसा मांगे सो देकर लोग मुझे लेना चाहते हैं। तो चीनी बोली, रसगुल्ले भैया ज्यादा ना इतराओ, ये जो बैठे हो ना चढ़े ट्रे पर मिठाइयों के राजा बने, तुम रसगुल्ले तभी तक हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जिस दिन मुझे तुमसे अलग कर दिया जाएगा ना, उस दिन गुल्ले गुल्ले रह जाओगे, रसगुल्ले नहीं कहलाओगे। आप देख लो जीवन में, संपूर्ण जीवन को टटोल के देखो, आपके पास धन होगा, पद होगा, जय जयकार होगी, मान्यताएं होंगी, बहुत भारी बैंक बैलेंस होगा, बड़ी भारी गाड़ी होगी, प्लॉट आपने बहुत खरीद लिए हैं, है ना, चार फ्लैट बनाए हैं, दो पे गुंडों ने कब्जा कर लिया है, उसका मुकदमा चल रहा है, दो की और तैयारी चल रही है, ये सब है, मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखना कि जीवन में रस है कि नहीं, रस है कि नहीं, कि जीवन मात्र गुल्ला है, रस है ही नहीं, क्योंकि रस तो प्रभु का नाम है, नाम हरि का सच्चा सौदा। मित्रता किसके साथ, यारी किसके साथ, संबंध किसके साथ, बताइए। कबीर की झोपड़ी के आगे वैश्या का महल है, वहां रोज उसके प्रेमी आते हैं, यहाँ रोज कबीर के प्रेमी आते हैं, उसका महल है ये, इसकी झोपड़ी है, और जब वैश्या के प्रेमी आते हैं ना, तो उनके दिल में कुछ मायूसी आ जाती है, ये बाबा जी बीच में इनको जब हम देख लेते हैं ना, तो हम तुमसे मिलने का सारा उत्साह भंग हो जाता है, इसलिए ना ये गड़बड़ है, इनका कुछ करो। तो वैश्या ने कहा, अब तुम ही लोग कर लो जो करना है। तो उन्होंने क्या किया, वैश्या के यारों ने कबीर की झोंपड़ी पे आग लगा दी, धू धू करके झोंपड़ी जलने लगी। अब क्या था, अब कबीर के यार की बारी थी, इतनी आंधियां चली कि आग झोंपड़ी की बुझ गई, और आग ने जाके वैश्या के घर को पकड़ लिया, उसका घर जलने लगा। दौड़ी दौड़ी आई, कबीर के पैर पकड़ के रोई, कबीर मैं बड़ी दुराचारिणी पापिनी, मैं अच्छी स्त्री नहीं हूँ, मैंने अपने यारों से कह के तेरे घर को आग लगवा दी, पर तेरे घर की आग बुझ गई, मेरे घर में आग लग गई। कबीर मुस्कुराते हुए बोले, देवी क्यों रोती है और मेरे से क्यों शिकायत करती है, ये तेरी और मेरी लड़ाई नहीं है, ये तो तेरे यार और मेरे यार की लड़ाई है, देखना यह है कि यार किसका जोरदार है, सहारा जिसका दमदार होता है, उनकी जिंदगी का रूप रंग रौनक और मस्ती अलग ही होती है, तो किसका सहारा पकड़ा है देख लीजिएगा, जवानी के सहारे हो तो धोखा खाओगे। तो वो हमारे यहाँ वात्सल्यग्राम की पुत्रियों का ब्याह होता है ना, तो जब उनका ब्याह होता है तो फिर हम भी बन्ना बन्नी गाते हैं अपनी पुत्रियों के ब्याह में, तो ऐसे मजाक चल रहा था, बोले दीदी माँ ये जो समधन जी हैं तो इनके लिए कुछ बोलो। तो मैंने कहा कि भाई मैं ये कह सकती हूँ कि समधन को आया बुढ़ापा, दगा दे गई जवानी, किसने बचाई लाज, अगर जवानी बीत जाती है
तो फिर लाज कौन बचाता है? आंखें गई, कान गए और लाठी आ गई, दांत नकली अब है, असली विदा हो गए। दगा कौन देता है? जो आता है सो जाता है, जो खिलता है वो मुरझाता है, जो पैदा होता है वो मरता है, और जो मिलता है वो छिन जाता है। इसीलिए संयोग के साथ वियोग जुड़ा है, पाने के साथ खोना जुड़ा है, हर्ष के साथ विषाद जुड़ा है, पर आनंद जहाँ है वहाँ आनंद ही आनंद है। काहे रोवे मनवा, आनंद ही आनंद है। इसलिए आंचल थामो किसका किसका, बोलो बोलो, आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। नेह नजर से देख रहे हो, इतना ही आभार बहुत है। चाहे दूरी पर जलता हो, दीप रूप का जलता तो है, जिसे देखकर प्राण पथिक यह दुर्गम पथ पर चलता तो है। मेरी राह चमकाने को इतना ही उजियार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने। यहाँ पार्वती ने जब ये प्रश्न किया तो भगवान ने सगुण और निर्गुण के अभेद को वहां दर्शन किया। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं जहां मोह निशा लवलेशा। और फिर भोले बाबा बोले कि राम जन्म के बहुत सारे हेतु हैं देवी, राम जन्म के हेतु अनेका, परम पवित्र एक से एका। और सबसे बड़ा कारण आप सबकी मुख पर है ना। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंबरा जी के यूट्यूब चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।